आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तंत्र के देवता कौन है। देखिए, तंत्र के देवता यदि देखे जाए तो भैरव जी को माना जाता है। भैरव जी भगवान शिव के रुधिर से उत्पन्न हुए थे। इसमें दो भैरव हैं, एक बटुक भैरव है, दूसरे काल भैरव है। काल भैरव जो है वह संहार के देवता माने जाते हैं, अत्यंत शीघ्र कुपित हो जाते हैं। और इनकी जो अर्धांगिनी है, अर्थात इनकी जो शक्ति है, पराशक्ति है, वह भैरवी है। माता भैरवी महाविद्याओं में से एक है और ये रक्त चंदन से सुशोभित है, यदि रक्तवर्ण की है, तथा रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है मस्तक में और ये अत्यंत तीव्र है। माता भैरवी की तीन प्रकार से उपासना होती है, रुद्र रूप से, सामान्य रूप से और तंत्र रूप से। इसी प्रकार भैरव की भी उपासना होती है। भैरव को तंत्र का देवता माना जाता है। तंत्र संबंधी जो समस्याएं हैं, तंत्र जो सीखता है, उनको भैरव तंत्र सबसे कठिन और सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन इसकी जो आदि शक्ति है वह भैरवी है, अर्थात भैरवी की शक्ति भैरव के बिना नहीं है, अर्थात भैरवी और भैरव एक ही है। और जिस प्रकार सूर्य भैरव है तो उसका जो प्रकाश है वह भैरवी है। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होगा और प्रकाश के बिना सूर्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार तंत्र में भैरव का तंत्र सबसे बड़ा है। आपको मैं दोनों मंत्र प्रोवाइड करा रहा हूँ, दोनों मंत्र दे रहा हूँ, लेकिन इन मंत्रों का प्रयोग आप गुरु निर्देशों पर ही करें। यह भगवान महाकाल भैरव का मंत्र है और नीचे दूसरा आपको मंत्र जो दिख रहा है ये माता भैरवी का मंत्र है। धन्यवाद दोस्तों, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्न आप उससे कर सकते हैं।